नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रोहित आनंद। वर्तमान वीडियो में यदि बृहस्पति आपके पांचवें भाव में कुंडली के आके विराजमान हो जाते हैं तो वो क्या प्रभाव देंगे, इसके बारे में कुछ जानकारी प्रदान करने जा रहा हूं। तो आप ये ध्यान रखिए कि जब भी गुरु बृहस्पति पांचवें भाव में होते हैं तो जातक अत्यधिक आलसी हो जाता है, विलासी हो जाता है, आराम प्रिय हो जाता है। यह घर बृहस्पति और सूर्य से संबंधित है। आप सभी जानते हैं कि पांचवा जो स्थान है वह सूर्य का स्थान है और यहाँ पे सूर्य, केतु और बृहस्पति मिश्रित फल देते हैं, यानी कि अच्छा भी देते हैं तो साथ साथ बुरा भी देते हैं। लेकिन यदि बुध, शुक्र और राहु दूसरे, नवे, ग्यारहवें और बारहवें भाव में हो तो सूर्य, केतु और बृहस्पति खराब परिणाम ही देंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आशा करता हूँ ये सभी जानकारी आपको लाभ प्रदान करेगी। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए आपका आभार। नमस्कार।